नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज लखनऊ में कुशवाहा महासभा ने एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में आक्रोश व्यक्त किया गया कुशवाहा समाज को, मौर्य समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संगठन से लेकर सरकार में हिस्सेदारी न मिलने पर नाखुशी जाहिर की गई। तो मेरे साथ कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश मौर्य जी मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या था और इसमें कौन से निर्णय पास हुए। उत्तर प्रदेश कुशवाहा महासभा की आज बैठक हुई, जिसमें सभी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के रूप में एक चेहरा प्रस्तुत किया गया पिछड़ी जाति के रूप में, कि पिछड़ी जाति और कुशवाहा मौर्य शाक के सैनी जो कि 14% जनसंख्या है और पिछड़ी जाति की जनसंख्या मिला करके इनको प्रोजेक्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश में इनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया गया। लेकिन ये पिछड़ी जाति, पूरे भाजपा ने पिछड़ी जाति को एक तरह से पूरी तरह ठगा, क्योंकि जब चुनाव संपन्न हो गए तो उसके पश्चात केशव प्रसाद मौर्य जी को जो है मुख्यमंत्री न बना करके योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री बनाया। इससे पिछड़ी जाति के और कुशवाहा समाज के सभी लोग आक्रोशित हैं और मांग करते हैं कि यदि पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आगामी लोकसभा के चुनाव में पूरा पिछड़ा समाज और कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में विरोध करेगा। एक बात और, आप महामंत्री हैं संगठन के, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसके बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि मैंने आपका प्रेस नोट देखा, उसके बारे में क्या सोच है आपकी कि देश के गृह मंत्री को इस तरह का बयान शोभा देता है? इस देश का गृह मंत्री को अगर इस देश का इतिहास नहीं पता है तो संभवतः इस देश का गृह मंत्री होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में छोटी जात कह करके उन्होंने खुद अपनी मानसिकता छोटी की है। हम घोर निंदा करते हैं, पूरे देश के कुशवाहा मौर्य शाक सैनी हैं, ओबीसी के समाज के लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के मानने वाले लोग, जानने वाले लोग घोर उनकी निंदा करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री को तत्काल प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें और उनको वापस जहां से आए वहां भेजने का काम करें। हमारे साथ आगरा से रहने वाले प्रेमचंद कुशवाहा जी भी हैं। हम उनसे ये जान लेते हैं कि आरक्षण जो इस समय खत्म किया जा रहा है ओबीसी का, इसके बारे में कुशवाहा महासभा क्या सोचती है? ओबीसी का जो आरक्षण है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की न देश की सरकार में न प्रदेश की सरकार में कहीं नहीं मिल रहा है, और जो भी वैकेंसियां हैं वहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों को समायोजित किया जा रहा है। और लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हम लोगों के बीच आते थे और कहते थे, देखिए पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण यादव खा रहे हैं और दलितों का आरक्षण का लाभ जाटव समाज के लोग खा रहे हैं। ये सारी बातें कहकर के इन्होंने आपस में लड़ाने का काम किया और ओबीसी की जितनी भी जातियां थी और पिछड़ी जातियां थी, 100 से दबे कुचले जो लोग थे, उन सारे वर्ग के लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू हुई थी उसको ये लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे जिसका प्रलोभन दिया गया, ये ओबीसी और दलित वर्ग के साथ छलावा हुआ है। और इसको लेकर के ग्वालियर से दिल्ली के लिए पदयात्रा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के बैनर तले और कुशवाहा महासभा का भी जिसमें समर्थन प्राप्त है, ग्वालियर से दिल्ली के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए देश के कोने कोने में व्यापक रूप से तैयारी है और हम भारत की सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आरक्षण के मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा, और अभी जो इन्होंने अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ छलावा है। अपने व्यक्ति को, अपने पिट्ठू को, अपनी मानसिकता के पिट्ठू को वहां बिठा के आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष बना करके
पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया जाएगा, जबकि जो 52% जो आरक्षण था, हम ये चाहते हैं जिस तरीके से निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में OBC वर्ग के लोगों को जो आरक्षण प्राप्त है, हम ये चाहते हैं विधानसभा लोकसभा और उसमें भी इस तरीके का आरक्षण प्राप्त हो। और जो 52% जो आरक्षण है, अब हम लोगों की आबादी ज़्यादा है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। कुल मिला के बातचीत से एक बात निकल के आई कि दो मुद्दे, आरक्षण और हिस्सेदारी की आग पूरे पिछड़े वर्ग में लगी हुई है, और यही दोनों मुद्दे 2019 के चुनाव में बड़ा रूप ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कुशवाहा महासभा की, उनकी सीधे सीधे चेतावनी है कि अगर उनको शासन में और सरकार में हिस्सेदारी समय रहते नहीं दी गई तो 2019 में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप देखते रहे नेशनल जनमत, हम इसी तरीके के मुद्दों से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।